अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदाए बुज़ुर्गों बरतर आप सबको हमेशा खुशोखुर्रम रखे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज सुबह सुबह आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। तो आज सुबह के तकरीबन 8:30 के करीब टाइम है। तो सुबह सुबह धुंध भी अभी गाँव में आप देख रहे हैं, सूरज भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और धुंध आप गांव में देख रहे हैं। माहौल बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। तो हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत है, जाहिर बात है गांव अपना और अपना पेंड या अपना शहर हर किसी को अपना घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह हमें भी अपना गांव बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज बाबा जान की आंखें चेक करवानी है तो हम बाज़ार जाएंगे, वहाँ पर जाकर डॉक्टर को दिखाना है। तो आज सुबह सुबह उठा हूँ, काफ़ी सुबह सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन सुबह सुबह उठने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन ये सारे जो काम हैं हमारी पहुँच से बाहर है। बाकी आपको सब कुछ मैं विज़िट करवाता हूँ जी। कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग अपने काम कर रहे हैं। तो आज गांव में आपको पता है कि कैसा खूबसूरत माहौल होता है। सूरज आज चमक रहा है जी, ये देखें। और गांव का माहौल आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आज सुबह सुबह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये गांव में एक टाउन जो है वो कटिंग किया गया है जी। सुबह सुबह परिंदे भी चहचहा रहे हैं। मॉर्निंग तकरीबन 8:30 का टाइम है आज, और हम जा रहे हैं जी बाज़ार में। और शहर में जाकर दिखाएंगे जी आपको बाबा जान की आज आंखें डॉक्टर को दिखानी है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हल्की हल्की धुंध जो है वो आप देख रहे हैं, ये देखें, हल्की हल्की धुंध अभी स्टार्ट है और काफ़ी हद तक जो धुंध है वो ख़त्म भी हो चुकी है, ये देखें। ये फसलों को पानी अभी लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आया हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं, और ये है जी गंदम। गंदम काफ़ी गांव में जो है वो आपको पता है देहातों में लगाई जाती है। गंदम काफ़ी काश की जाती है, तो गंदम काश्त हो चुकी है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी जो है गंदम है जी, गंदम काश्त की जा रही है, हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत से ये काम किए जाते हैं। वैसे गांव का माहौल का भी अपना ही मजा है। और ये जाते जाते गांव में मेरा छोटा कज़न, छोटा भाई भी है, पट्टी साहब। पट्टी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जनाब। कितनों मज़े हो रहे जनाब? काम देख के आए जनाब। हैं? काम देख के आए। काम शाम देख के आए। और बाकी सब अच्छा? बाल बच्चे वधिया? मज़े हो रहे? पिंड का माहौल कैसा लगता पट्टी साहब? जाहरी गल आ, हर बंदे नूं अपना पिंड का माहौल बहुत ही प्यारा लगता, खूबसूरत लगता, लेकिन साडा गाँव सानूं बहुत ही खूबसूरत लगता जी। अंकल कबाल, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है जी? खैरियत? मजे हो रहे? काम शाम ठीक ठाक? सुनाओ भाई इकबाल, क्रिसमस आ रहा वा, की कहना चाहोगे क्रिसमस के बारे च? ठीक ठाक है जी, तैयारी खूब हो रही है। अच्छा, हुण चलें कि मुरब्बिया च बालन बूलन लभण वास्ते, काम देख के आ गए हैं। काम देख तो बाद हुण लकड़ी बालन जमा करते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, खूब क्रिसमस ते फिर केक लियावांगे, बाहर आग उग ला के बवांगे, रौनक मेला करांगे। क्या बात है, ढोल ढोल लियावांगे जी। जबरदस्त जी, इंजॉय जी की जाती है जी क्रिसमस पर। और क्रिसमस ते पंजाबी तुहानूं मैं जरा दसदा जी, थोड़ा जिहा बालन शालन कट्ठे किए जाते हैं, 24 की रात में जरा इंजॉय की जाती है जी, तो खूब मज़े किए जाते, इंजॉय किया जाता, केक कटिंग की जाती ईद पर।
यह है जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त नईम पट्टी साहब दी ग्रेट, और ये माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ रवाना, इनकी ज़िंदगी का सफ़र रवाना हुआ है। पर सब क्या हाल चाल है, खरीयत है, तबीयत से ठीक ठाडी, किधरों मज़े हो रहे, सुबह सुबह मिले हो, अच्छा लगे तेरे नाल मिल के, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मैनू अच्छा मेरा मतलब मिल के अच्छा लगा तेरे नाल। पर सब क्या हाल चाल है, कितों जा रहे हो तो कितने आ रहे हो? अच्छा बच्चा हेलो जी, हेलो जी, अभी तुम दिखाने आलू 60 रुपए किलो, तो मतलब गोभी 10 रुपए किलो। ये पट साहब आप खामोशी चैनल, सरसों जी, सरसों का साग गांव में बहुत ही पसंद किए जाते हैं, बल्कि शहरों में बहुत पसंद किए जाते हैं। यह है सरसों, गांव के बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास ये लगाई गई हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ख़ूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही हैं, ये देखें। पुरसकून किस्म का माहौल है, अब्बू आपको क्या कहते हैं? फाया बेटा कहते हैं। तो बाबा? फाया बेटा। वो भी फाया कहते हैं? नहीं तो भुग्गा नहीं धोया आपने आज? हैं? ना तो दूध, दूध पिया? कितना दूध पिया? हाँ जी, कितना? सारा। अच्छा, माछों ने दिया था, ठीक है। तो क्या आप स्कूल नहीं जाते हो? कौन सी क्लास में? ए, स्कूल में 1-2 क्लास में। क्या हुआ पाँव को? जी, ये हमारा पीछे जो है जनाब खड़े हैं, ये हमारे फिश के कारीगर हैं। सो आज का जो मॉर्निंग थी वो आज मैंने आपके साथ शेयर की, और पापा जान की आज आंखें भी चेक करवानी थी, वो भी करवाई। सो उन्होंने कहा जी लेज़र ऑपरेशन होगा, सो वो भी अब लेज़र ऑपरेशन करवाएंगे, तो खुदा ये सारा कुछ बेहतर बेहतर कर दे, और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल इरफान भट्टी व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।